अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने कोई स्ट्रीमिंग सर्वर किस तरह से बनाना है। मोस्ट लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम टीवी चैनल्स जो हैं अपने यूज़र्स के साथ शेयर करना चाहते हैं लैन के थ्रू, और कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई मूवीज़ वगैरह, मूवीज़ ऑन डिमांड, इस तरह की कोई फाइल्स वगैरह जो है हम वो शेयर करना चाहते हैं अपने यूज़र्स के साथ लैन के थ्रू। तो आप वेबसाइट पर भी इसको शेयर कर सकते हैं, FM चैनल्स है, आप अपना शेयर कर सकते हैं। लोग डिमांड करते हैं कि मूवीज़ हम चलाना चाह रहे हैं या किसी किस्म की हम स्ट्रीमिंग, कोई लाइव इवेंट है वो हम शेयर करना चाह रहे हैं अपने यूज़र्स जो हैं हमारे लैन के यूज़र हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, FM रेडियो की स्ट्रीमिंग शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप उस बना सकते हैं कि किस तरह से शेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपके पास VLC मीडिया प्लेयर होना चाहिए। इसकी जितनी भी आपने तमाम उसके फुल जितना भी इसके कंटेंट्स हैं सारे के सारे इंस्टॉल करने, कुछ मिस नहीं करना। VLC मीडिया प्लेयर आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, adilkml.tk से, सॉफ्टवेयर के टैब में पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो सिस्टम है इसका आपने एक IP इसको देना है, मैनुअली IP देना है। 19 मैंने दिया हुआ 192.168.1.130, तो आप भी यही देंगे, ठीक है? और क्योंकि मैंने जो आपको एक फ़ाइल दूंगा उसके अंदर सारी सेटिंग्स 130 के हिसाब से हुई हैं, तो आपने भी इसी हिसाब से सेटिंग्स जितनी भी है ना वो करनी है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि VLC मीडिया प्लेयर इसको ओपन कर लेना है। मीडिया ओपन नेटवर्क स्ट्रीम, इसमें हमने एक सबसे पहले क्या करना है फाइल, और यहाँ पे जो भी आपने फाइल स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, कोई मूवी है, कुछ भी आप प्ले करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ एक सॉन्ग सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपने वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करके स्ट्रीम पे क्लिक कर लेना। इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है? यहाँ से आपने क्या करना है, HTTP पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे आपने मेक श्योर कि आपकी पोर्ट जो है वो 8080 हो, और ये भी आपने श्योर करना है कि आपकी कोई भी और सॉफ्टवेयर जो है वो पोर्ट 8080 यूज़ ना कर रहा हो। अच्छा, ये करने के बाद वीडियो के सेटिंग्स आप सेम रख सकते हैं, इसमें ये करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, इसको एज इट इज़ रहने दें और स्ट्रीम पे क्लिक कर दें, ठीक है? अच्छा, आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप क्या करना है, किसी क्लाइंट के पास जाकर चेक कर सकते हैं कि स्ट्रीमिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके दो तीन बड़े हैं कि आप कैसे स्ट्रीम चेक कर सकते हैं या उनके क्लाइंट कैसे आपको देखेगा। तो उसके लिए आप क्लाइंट के PC पे जाके चेक करें, मैं जस्ट अपने PC पे आपको चेक करवा रहा हूँ। वहाँ पे जाएँ, VLC मीडिया प्लेयर खोलें, मीडिया ओपन नेटवर्क सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे अपने HTTP और जो हमने लिखा हुआ था हमारा IP जो था 130 और पोर्ट जो थी 8080 थी, ठीक है? ये क्लिक करने के बाद हमने प्ले पे क्लिक करना है। आपका VLC प्लेयर जो है वो लोड हो जाएगा, लोड करेगा और आपके सामने जो स्ट्रीमिंग है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो आपका मैंने वो स्ट्रीमिंग वहाँ से स्टार्ट की थी, वहाँ पे स्ट्रीमिंग जो मैंने की थी, ये क्लाइंट के PC में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लाइंट के PC पे आप इस तरह से प्ले करेंगे। एक और ऑप्शन आपके पास है कि क्लाइंट के ब्राउज़र में आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि मेरी वेबसाइट पर जाएँ और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर पे क्लिक करें, और एक tv.zip के नाम से यहाँ फाइल होगी, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर चलाएं, इसके अंदर आप इसको प्ले करें और ओहो कनेक्ट ओके ओके। आपकी जो है ठीक है, आपकी जो वो मूवी फाइल थी वो स्ट्रीम हो के अब क्लाइंट है, आप क्लाइंट को ये फाइल जो है वो क्लाइंट के PC को क्लाइंट को दे दें, वो डायरेक्ट इसको चलाएगा जब, तो उसके PC पे आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपकी अगर VLC स्ट्रीमिंग चल रही है तो वो स्ट्रीमिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, उस पे स्ट्रीमिंग जो है आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप FM की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, TV चैनल की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो अब इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीमिंग आपने चैनल की स्ट्रीमिंग किस तरह से करनी है। इसकी स्ट्रीमिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ, उनके VLC को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। VLC मीडिया प्ले, ओपन ओपन नेटवर्क स्ट्रीम कैप्चर डिवाइस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या किया, कैप्चर मोड में हमने डायरेक्ट शो रखना है। उसके बाद डिवाइस सिलेक्शन के अंदर अपनी डिवाइस, यहाँ पे मेरे पास इस टाइम कोई कैप्चर कार्ड लगा नहीं हुआ जो कि मैं सेलेक्ट कर सकूँ, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आपका जो कैप्चर कार्ड होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। ऑडियो डिवाइस जो है आप यहाँ से अपना साउंड मैक्स में अभी डिफ़ॉल्ट कर लें, या जो आप मैनुअली कोई कन्फिगर करना चाह रहे हैं वो कर लें। वीडियो साइज़ आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। एडवांस ऑप्शन के अंदर जाके आपने यहाँ कुछ नहीं करना है, इनको जस्ट यहाँ पे अगर आपने कुछ चैनल स्पेसिफिक, हाँ सॉरी, यहाँ से आपने जो है अगर TV ट्यूनर की सेटिंग्स प्रॉपर्टीज कुछ भी करना है, सेटिंग्स चेंज नहीं करते, कर सकते हैं। चैनल नंबर यहाँ से कोई चैनल चलाना है यहाँ से चैनल दे दें, ठीक है। और TV ट्यूनर कंट्री कोड जो है वो यहाँ देना है। तो इस तरह से मोस्टली आपकी जो आपका TV ट्यूनर होगा ना उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको FM रेडियो, AM रेडियो, डिफॉल्ट TV कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका TV ट्यूनर कार्ड जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आपको सही तरह आपको सही अंदाज़ा होगा। इसका भी सेम प्रोसेस, स्ट्रीम और सोर्स नेक्स्ट, इसको भी आपने सेम HTTP एट ओके PORT 8080, और आपकी स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगी क्योंकि मेरे पास तो TV कार्ड ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपने होता है कि किस तरह से TV चैनल कैसे चेंज करना है। तो TV चैनल चेंज करने के लिए ये स्ट्रीमिंग सारा कुछ ऑफ करें, अपना जो TV ट्यूनर का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करें, जो चैनल आपने सेलेक्ट करना है उसको वो सेलेक्ट करें, और ट्यूनर की जो है सेटिंग्स वो बंद कर दें, और दोबारा यहाँ से स्ट्रीमिंग स्टार्ट करें, तो आपका वो चैनल जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो, मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो चुके होंगे। तो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसको दूसरों के साथ शेयर करें, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन करें, facebook.com/wifitech, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। माइक्रोटिक पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह आप थोड़ा सा सब्र रखें, मुझे बहुत ज़्यादा लोड बैलेंसिंग की जो कह रहे हैं, PPPoE की कह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस अपलोड जल्दी कर दूंगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।